It's a News Zone 24. मैं हूँ दीपांशी आपके साथ और आज हम आए हैं होटल राजपत रेसिडेंसी में जहाँ चल रहे हैं ICMI एंटरटेनमेंट प्रेजेंट बिगेस्ट फेस हंट के ऑडिशन। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं जो बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मॉडलिंग, डांसिंग से लेकर के सिंगिंग, एक्टिंग तक सब करने को तैयार है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कौन सा वो एक चेहरा होगा जो नेक्स्ट सुपरस्टार होगा। तो आइए इसके लिए हम बात करते हैं पार्टिसिपेंट से और जानते हैं कि उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। तो आइए बात करते हैं पार्टिसिपेंट से। हेलो, व्हाट्स योर नेम? हाय, माय नेम इज रीगा। ओके रीगा, तो आपने ICMI एंटरटेनमेंट के ऑडिशन के लिए, आपको कहाँ से पता चला? मुझे मेल आ रखी थी इसकी, तो फिर उसमें ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हो रखी थी, तो वहीं से मुझे पता लगा गूगल। ओके, तो एक्टिंग का शौक आपको बचपन से है? हाँ, एक्टिंग और मॉडलिंग का, दोनों का। एक्टिंग का शौक, लाइक एक्टिंग कीड़ा इज ऑलवेज देयर, यू नो, लाइक इट्स लाइक अनदर फील्ड्स हो, कुछ भी हो, एक्टिंग कीड़ा इज लाइक इनबिल्ट इन यू। हाय, दिस इज प्रतीक भारद्वाज, आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, तो आप ऑडिशन के लिए आए हो, जाहिर सी बात है एक्टिंग का तो बहुत शौक होगा, तो आपके फेवरेट एक्टर कौन है? जॉन अब्राहम। हाय, माय नेम इज जयंत गुप्ता। ओके जयंत, आपको इस ऑडिशन के बारे में कहाँ से पता चला? वेल, मुझे जो है थिएटर से पता चला, मैं गांधी सहित में काम करता हूँ, तो मैंने लास्ट शो किया था देवदास, उससे मुझे पता चला। माय नेम इज विष्णु। विक्की दाऊद। ओके गाइस, आर यू एक्साइटेड फॉर? यस, वेरी मच, वेरी मच। तो आपको इस ऑडिशन के बारे में कहाँ से पता चला? इंस्टाग्राम, एबी इंस्टा। ओके, तो आप तीनों ही एक्टिंग में, एक्टिंग आपका शौक है या एक्टिंग के अलावा भी और कोई शौक है आपके? एक्टिंग, डांसिंग एंड मॉडलिंग। मॉडलिंग एंड एक्टिंग एंड स्विमिंग एंड हॉर्स राइडिंग, हिल क्लाइंबिंग एंड और बरसात में गाना। अच्छा, तो आपके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? मेरी करीना कपूर है, शाहिद कपूर एक्टर। एक्टिंग के अलावा आपको और किन किन चीज का शौक? एक्टिंग के अलावा बेसिकली मुझे जो इकलौता शौक है वो है डांसिंग। डांसिंग इज द पैशन फॉर मी। ओके, एक्टिंग के अलावा आपको और कौन कौन से शौक? मुझे एंकरिंग करना पसंद है, मुझे रेडियो जॉकी पसंद है, मुझे बाइक चलाना पसंद है, कार ड्राइविंग पसंद है। okay. और जॉब भी करता हूँ, तो मतलब आपके और मेरे शौक काफी मिलते जुलते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिंग, रेडियो जॉकी। जस्ट जोकिंग। ये ऑडिशन अभी आप दे चुके हैं या अभी देने वाले हैं? ओके, तो आपके लिए तो इजी रहा या टफ रहा? ज्यादा टफ नहीं था, इजी था, वैसे भी इजी था, नर्वस नहीं थे, जजेस ने आए क्वेश्चन किए, हमने आस्क किए, नॉर्मल। ओके, तो इस ऑडिशन के लिए आपने कैसे अपने आप को प्रिपेयर करा है, क्या क्या प्रैक्टिस, मेहनत तो जम के करी होगी यार? मेहनत मैंने अपनी की है, लेकिन इतनी जम की मेहनत नहीं हो पाई, क्योंकि मुझे सडन मुझे ऑडिशन के बारे में पता लगा, और फिर इसके साथ मैं जॉब भी करती हूँ, फिर जॉब के साथ साथ फिर ऑडिशन की तैयारी भी मैंने की है, लेकिन आई डू हैव टू मच कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग दैट कि मैं कर लूँगी। मेहनत लाइक एक्टिंग एक्सपीरियंसेस इतने कुछ नहीं है, स्टिल आई डू माय बेस्ट, आई विल डू माय बेस्ट एंड आई विल गिव माय बेस्ट। Show some energy, guys. Come on, you're coming in a competition. Itne dar kyun sound kar rahe ho? Odisha, how are you all? Show me some energy. Great. That's how it should be, guys. Aap log models or actors banna agar chahte hain, to energy bahut important hai, bina energy ke kuch nahi hone wala. So, guys, first of all, congratulations. Ye aap log yahan tak aaye hain, sab log aur audition ke liye aaye hain. I think it's a great opportunity given to all of you by ICMI. एक ऑडिशन में कम से कम 500 बहुत ही गुड लुकिंग लड़के और लड़कियां खड़े होते हैं, तो इट्स अ वेरी 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 टफ इंडस्ट्री, तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड है देन ओनली थिंक ऑफ इट,
एंड आई वुड से कि आपको यहाँ पर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो अगर आपको यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आप सेलेक्ट होते हैं और आप आगे फाइनलिस्ट बनते हैं, तो आई थिंक यू शुड गिव योर 200% टू इट एंड वैल्यू दिस अपॉर्चुनिटी. और सिर्फ ये नहीं कि आपको एक दिस इज गाइस डोंट कंसीडर इट एज अ पैजेंट, ये कोई पैजेंट नहीं है कि यहाँ पर आपको सिर्फ एक क्राउन मिल गया और यू नो यू गोना जस्ट गो होम एंड एंजॉय एंड पोस्ट इट ऑन योर इंस्टाग्राम. नो, इट्स नॉट लाइक इट्स मच मोर देन योर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. यहाँ पर आपको इस सिलेक्शन के बाद मंच योर क्राउन फॉर द मिस्टर एंड मिस स्पेस हंट, उसके बाद आपकी मेहनत एक्चुअली में शुरू होगी. और आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑडिशन के बेसिस पर आपको जज कर रहे हैं हम लोग या आपको एक फिनाले के बेसिस पर जज कर रहे हैं, ये पूरा सीरीज होने वाला है. It's gonna be the entire series जहाँ आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए जज करा जाएगा. अगर मैं अपनी बात करूँ, आई कम फ्रॉम एन अपर मिडिल क्लास फैमिली, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं था. फॉर मी टू जस्ट गेट इन टू अ रियालिटी शो और बिकमिंग मिस्टर इंडिया और डूइंग एनीथिंग, लाइक आई हैव सीन एवरीथिंग, आई हैव सीन एवरीथिंग, ऑल द स्ट्रगल्स पॉसिबल इन लाइफ. बनाया गया मेरे लिए, हंसी बन गए गाना ही बन गए तुम मेरे आसमान मेरी जमीन बन गए हंसी बन गए. जब तक मेरा हाथ चलेगा
तुम्हारा बाप मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। आइए कभी हवेली पे। आकाश हेलो। हाय हाउ आर यू डूइंग। आकाश को शायद ही कोई नहीं जानता होगा, स्प्लिट्सविला शायद आप सबने तो देखा ही होगा। मैं तो मतलब बिग फैन हूँ यार आपकी। और आकाश मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आईसीएमआई एंटरटेनमेंट ने जब आपको बुलाया एज अ जज तो कैसा फील आया था आपको सबसे पहले? देखिए जजिंग तो मैंने बहुत सारे शोज में किया है, बट व्हाई आई रियली लाइक दिस वन डिफरेंट थिंग इज कि ये सिर्फ एक पैजेंट नहीं है, यू नो हम इसको एक फेस हंट बोल रहे हैं। तो वी आर जस्ट नॉट लुकिंग फॉर अ मॉडल और एन एक्टर और जस्ट सम टैलेंट, हम यहाँ एक ढूंढ एक अमेलमिगेशन सब लोगों का जो शायद एक बॉलीवुड का नया चेहरा हो सकता है। सो डेफिनेटली आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मुझे लगता है अगर मेरे को आईसीएमआई ने इस काबिल समझा कि मैं लोगों को एटलीस्ट चुन सकूं और देख सकूं, आई थिंक आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट। और मैंने देखा यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे हैं, मतलब द काउंट वॉज रियली अमेजिंग। हम लोग शायद थक गए पर बच्चों की एनर्जी बहुत ब्रिलियंट थी, तो वो अपने आप में एक बात बोलती है कि इतने लोगों का आना एक ट्रस्ट डेवलप करता है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द किड्स। ओके, जब आप यहाँ पर आए तो आपने मतलब एक होता है कि हम एक बना के रखते हैं कि हमें क्या मिलेगा या मैं क्या देखना चाहती हूँ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा परसेप्शन यही होता है, मैं कहीं भी जाता हूँ कि यू नो हम जब भी किसी पैजेंट वे में किसी चीज़ को सोचते हैं, हम इमेजिन करते हैं कि यू नो एक कन्वेंशनल गुड लुकिंग लड़के लड़कियाँ टॉल फेयर होते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ फेस हंट एक यहाँ वैल्यू है फेस वैल्यू की। तो यहाँ मैंने देखा कि हर टाइप से डिफरेंट कैटेगरी के लोग थे, ऐसा कोई नहीं कोई हाइट कंस्ट्रेन है या कोई एज कंस्ट्रेन है, दैट वॉज द बेस्ट पार्ट। तो यस मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत अलग चीज़ें मुझे यहाँ देखने को मिली है। ओके, मतलब आपने सोचा था कि टैलेंट देखने को मिलेगा पर आपको बहुत ज्यादा टैलेंट देखने को मिला। ओके आकाश, आप थोड़े से पर्सनल क्वेश्चन कर सकती हूँ मैं वैसे, आपकी पर्सनल हॉबी क्या है? अच्छा मेरी हॉबी मतलब वैसे तो बहुत मुश्किल टाइम हो पाता है, बट आई लव टू स्विम। तो मुझे लगता है स्विमिंग एक बहुत अच्छा तरीका है रिजुविनेट होने का, मुझे बहुत पसंद है, फिट रखता है आपको, एक हेल्दी रखता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। एंड आई लव टू कुक, तो व्हेन आई एम फ्री व्हेन आई वांट टू जस्ट गेट पीस ऑफ माइंड मैं खाना बनाता हूँ अपने लिए। सो गाइज आकाश को कुकिंग पसंद है, उन्हें देख के हमें लगेगा कि उन्हें जिमिंग पसंद होगी बट उन्हें कुकिंग पसंद है। सो थैंक यू सो मच आकाश कि आपने हमसे बात करी, और सभी कंटेस्टेंट के लिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप उनके साथ थे, आप उन्हें जज कर रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ये थे ICMI एंटरटेनमेंट प्रेस बिगेस्ट फेस हंट के ऑडिशन, जहाँ पे हमने आपको दिखाया कि कैसे कंटेस्टेंट और जजेस ने मिलकर की खूब सारी मस्ती, डांसिंग एक्टिंग एंड मॉडलिंग के साथ साथ यहाँ पे दिखा खूब सारा एक्स्ट्रा टैलेंट।
तो इसके फाइनल होने वाले हैं मनाली में 15-18 अगस्त, तो इसे देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और बाकी की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ जोन 24।